एक हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर था और एक सबसे छोटा डॉक्टर था। एक डॉक्टर से वो कहते आप डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं? मैं कहा हाँ। कहता आप यंग डॉक्टर हैं? मैंने कहा हाँ, ये स्पेशलाइजेशन कर चुके हैं और मैं अभी कर रहा हूँ। कहते आपके बारे में तो हमें सारा पता है। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही कोशिश कर रहा था कि आपको मेरे बारे में सारा पता चले। हम दो आए, तुम ग्यारह हो। हम दो आए और तुम ग्यारह हो। उस वक्त उनके चेहरों पे एक चीज बड़ी आया थी, वो सेक्रेटरिएट में गए, कुछ नहीं मिला, वापस आ गए। बहुत अच्छा हुआ। वो आईजी ऑफिस गए, जाके कहते फलां को उतारो, फलां को पकड़ो, फलां को। उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। कहते 780 लगाओ। उन्हें कहा वकील साहब तुहानू भी पता है लगनी नहीं है, आज लगवाओगे कल उतर जाएगी। कहना मेरा चेहरा पे बच जाएगा। आई जी कहता कि जब मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं करना, कहते सारे लाओ तो सही ना, असी हुनते वापस जाइए। वो जहां जाते थे वहां से कहते थे अब हम वापस कैसे जाए। मैं वहीं बैठे बैठे जब उन्होंने कहा ना कि हमें तेरा सारा पता चल गया, हम तुझे देख लेंगे, मुझे अंदर से मैं हंस रहा था। और आपको पता है हंसते हंसते मुझे शेर याद आ जाता है। ये तो है। मुझे फिर वो शेर याद आ गया कि सुना है उनके अशकों से बुझी है प्यास सहरा की। वाह वाह। सुना है उनके अशकों से बुझी है प्यास सहरा की, जो कहते थे हम पत्थर हैं हमें रोना नहीं आता। इतना रोए फिर वो दर दर पे जाके रोए, वो दर दर पे जाके रोए कि सानू बहुत मारे है। वो उनका एक लॉयर जो बड़े बालों वाला था, वो सबसे पहले उसने बात शुरू की। हाँ अदील उसका नाम है। तो वो सामने उससे कहता सर मैं तुम्हें की तो सही की मार रहे। ये उसका स्टाइल था, वो अपने बालों को ऐसे करता सर मैं तुम्हें की दसा की मार रहे। मैं ते जिवे उत्ते पहुंचा मैं ते अंदाजा ला लिया के इन्हां नूं कोई पीएसी च जाके नहीं कुट सकदा। खुदा की कसम जब उसने ये कहा सारे वकील पुलिस और हम हंस पड़े। कहते सर मैं जो उत्ते पहुंचा असी किसी नूं हाथ नहीं लाया, पर मैं उत्थे ये जान गया सी कि इत्थे साडा पार नहीं चलना, इत्थे इन्हां नूं आके कोई कुट नहीं सकदा। तो वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता। वो बहुत डरा रहे थे हमें कि जनाब उन्होंने अपनी तरफ से यास साहब मौका पर मरीजों को चेक करते हुए अद्वियात हमारा बंदा गया उसको मारा गया, हम अपने बंदे की तलाश में गए, वीडियो में आवाज नहीं आती ना, हम तो जो अस्पताल में घूम रहे थे अपने मजरूफ को ढूंढ रहे थे कि हमारा बंदा किधर है, इन्होंने हमारा बंदा गायब कर दिया हुआ था। और वहाँ पे ये मुसल्ला खड़े हुए थे, जब उन्होंने कहा मुसल्ला खड़े हुए थे, मैं क्या हाँ वो असला तो हर वक्त हमारे पास होता है, हमारे वर्कर उस असले के बिना चलते ही नहीं है। बात से चिढ़ रहे थे और कहते डॉक्टर साहब ना बोलन। और पुलिस वाला कहता डॉक्टर साहब तुसी तो चुप करो। हाँ जी। तो आज जो हम प्रोटेस्ट